Good morning everyone. तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव रेड अबाउट प्रोनाउंस. ओके, हम प्रोनाउंस पढ़े थे और नंबर ए और बी किए थे. आज हम नंबर सी, डी और ई करने वाले हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. नंबर सी, रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन्स विद द करेक्ट प्रोनाउन. नाउन की जगह में हमें करेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, निखिल मेट अर्जुन. निखिल एंड अर्जुन वेंट आउट टू वॉच ए फिल्म टुगेदर. निखिल मेट अर्जुन. निखिल एंड अर्जुन की जगह दे वेंट आउट टू वॉच ए फिल्म टुगेदर. वो लोग बाहर जाएंगे फिल्म देखने के लिए. नंबर टू, मीता बॉट ए गोल्ड फिश. पहले हम लिखेंगे मीता बॉट ए गोल्ड फिश. मीता की जगह में क्या होगा, सी, क्योंकि ये फीमेल है. सी इज वेरी फॉन्ड ऑफ, क्या होगा, द गोल्ड फिश की जगह इट. ओके, देन नंबर टू, जॉय इज अ लाइब्रेरियन. लाइब्रेरियन जॉय मेल है. ही इज वेरी वेल रीड. यू कैन आस्क जॉय मतलब हिम अबाउट एनी बुक. ओके, देन नंबर फोर, माई सिस्टर एंड आई वोक अप एट सेवन. माई सिस्टर एंड आई मतलब वी वेर लेट फॉर स्कूल. नंबर फाइव, सैली हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग हर पेन. बॉब गेव, सैली की जगह में हर, गेव हर ए पेन. ओके, नंबर सिक्स, जिम एंड हिज फ्रेंड्स वेर इन माय नेबरहुड. मतलब जिम एंड हिज फ्रेंड्स वेर इन माय नेबरहुड. जिम एंड हिज फ्रेंड्स की जगह में दे ज्वाइन त्रिशा एंड मी मतलब अस फॉर डिनर. ओके, देन नंबर डी, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रोनाउन. करेक्ट प्रोनाउन के साथ कंप्लीट करना है. निशांत इज टायर्ड, ही प्लेड फुटबॉल ऑल डे. द कैट इज हंग्री. कैट की जगह में इट वॉज स्क्रैचिंग द डोर. मेघा बोरोड ए बुक. मेघा का प्रोनाउन सी, गर्ल है वो. विल रिटर्न इट ऑन फ्राइडे. राज एंड रवि वेर ट्विंस. राज और रवि की जगह में दे ऑल्सो हैड ए यंगर सिस्टर. द स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन फॉर अस, हमारे लिए. वी वेर, क्योंकि अस इस लिखेंगे वहाँ पे वी है तो हम भी यहाँ पे पार्टिसिपेटेड है. वी वेर आस्क्ड टू कम ऑन टाइम. ही गेव मी ए बुक. आई वॉज वेरी हैप्पी. ओके, देन कंप्लीट द स्टोरी विद द करेक्ट प्रोनाउन. वंस अपन ए टाइम देयर वॉज अ गर्ल कॉल्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड. शी लिव्ड विथ हर मदर इन ए फॉरेस्ट. वन डे हर, उसकी मम्मी सेड, ग्रैंडमा इज इल, प्लीज गो एंड टेक दिस केक एंड ए बॉटल ऑफ मिल्क टू हर. ग्रैंडमास हाउस इज नॉट फार फ्रॉम वेयर वी लिव, हम जहाँ रहते हैं. बट ऑलवेज कीप टू द पाथ एंड डोंट स्टॉप. सो लिटिल राइडिंग हुड मेड हर वे टू ग्रैंडमास हाउस. इन द फॉरेस्ट सी वो मिली, मेट ए बिग बैड वुल्फ. लिटिल रेड राइडिंग हुड ग्रेटेड इट एंड द वुल्फ आस्क्ड, वेयर आर यू गोइंग लिटिल रेड राइडिंग हुड? टू माई ग्रैंडमास हाउस, सी सेड.
Can you tell me where grandma lives? Your grand, sorry, she lives in a little cottage by the forest. Why don't you pick some flowers for grandma? Said the owl. Said, that's a good idea, said Little Red Riding Hood, and she began to look for flowers. Meanwhile, the wolf had other plans. He decided to take a shorter route. She decided to take a shorter route to grandma's house. Okay, so we have done the numbers of this chapter, number C, D and E today. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.